नमस्कार। तो बिदर में इतना डेवलपमेंट काम हुआ है शायद किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। बिदर में आपको मालूम होना चाहिए वो 500 करोड़ रुपए दिए, जिसमें रोड, ड्रेन, यूजीडी, वाटर सिस्टम के लिए, और मैं उन्हें मिलके 125 करोड़ रुपीस खर्चा करके 500 बेडेड को हॉस्पिटल बनाए। और गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ब्रिम्स हॉस्पिटल में दो दिन पहले न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, थोड़ी सी बारिश हुई 10-15 मिनट की, वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग वहाँ पर गिर गई। अच्छा हुआ कोई वहाँ पर थे नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट था, वो सिर्फ एक साल या डेढ़ साल के अंदर वो वहाँ पर गिर जाती है। और हम इलेक्शन में देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट MLA, यहाँ के MLA और मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब हमेशा बोलते हैं कि हम बनाए, ऐसा बनाए, इलेक्शन के टाइम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन आज दो दिन हो गया रहीम खान साहब बिदर में है, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए नहीं, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ पर इंस्पेक्शन करें नहीं, वहाँ पर क्या हुआ कुछ पूछे नहीं। एक MLA होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाना, ना कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम उसका यूज़ करके हम ये बनाए हमको और दियो। वो बनाए बाद उसको मेंटेन भी करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी होती है। लेकिन दो दिन से देखा गया, आज 9 तारीख है, हमारे MLA साहब गए नहीं वहाँ पर, इसलिए ये वीडियो बनाना मैं मुनासिब समझा। ब्रिम्स हॉस्पिटल में इतना निगलिजेंसी हो रही है। बी पॉजिटिव अगर किसी को फ़ोन अगर होना है तो उसको ओ पॉजिटिव चढ़ा दे रहे। अगर ऐसी निगलिजेंसी रही और ऐसे ही अगर कोई देखने वाला नहीं रहा तो आगे बिस्लरी पानी का बॉटल चढ़ा देते हैं फ़ोन की ज़रूरत है तो। तो हमारी डिमांड है स्ट्रिक्ट, ये कोई छोटा हादसा नहीं है, उसके अंदर जान किसी की नहीं गई, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी की जान जाती तो बहुत बड़ा हादसा होता था। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसके कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंसल्ट इंजीनियर, उन सब के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।